गई एक जन आग्रह सभा है, उसमें हम लोग हिंदू होने के नाते अयोध्या में जाकर जनता के बीच में आग्रह करेंगे कि भगवान राम का भव्य निर्माण, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक चीज ये बताइए, जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है और सुनवाई भी होने वाली है इसमें 3 महीने के बाद, जी उसके ठीक पहले इस तरीके के आंदोलन का क्या कोई मतलब निकलेगा? ये कोई आंदोलन नहीं है, ये जन आग्रह रैली है हमारी। हम हिंदू होने के नाते, हिंदूवादी संगठन में काम करने के नाते, हमको ये अंदर से पहले मैं हिंदू हूँ, इसके बाद कहीं कोई और काम करता हूँ, अगर मेरी भावनाओं को कहीं ना कहीं से प्रेरित किया जाएगा, पुकारा जाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे जाना चाहिए और जाऊँगा। इसके लिए मुझे किसी भी तरह से लोगों के अंदर बातचीत करने का मौका मिलेगा, बातचीत के माध्यम से अपनी बात कहने का समय मिलेगा, तो निश्चित रूप से करूँगा। मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पे अभी कुछ नहीं बोलना है। देखिए, ये विषय गंभीर है जो आप कह रहे हैं, इस विषय पे जिनके जिनके विषय हों अपने अपने विषय लेंगे। मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू का मैं संगठन से जुड़ा हूँ, इस नाते इस आज 25 नवंबर की रैली के लिए लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ, लोगों के बीच में भावनाएं पैदा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं केवल उसी कार्य पे लगा हूँ और सारी बातें और लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लगभग यहाँ से कितने लोग ले जा सकते हैं आप? यहाँ से लगभग 25,000 से अधिक कटेहरी से जाने वाले हैं, पूरे जनपद से 1,00,000 से ऊपर की संख्या जाने वाली है। 25 नवंबर को अयोध्या में भारी जनसैलाब इकट्ठा होने की बात लगातार सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के बाद अंबेडकर नगर जिले में भी बीजेपी के एक नेता ने यहां से 1,00,000 लोगों के जाने का अनुमान लगाया है और घर घर जा करके, बूथ बूथ जा करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मण महासभा के इस समय यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से 25,000 ब्राह्मणों की संख्या लेकर के वो अयोध्या में जाएंगे और अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो ये लोग बीजेपी का बहिष्कार करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। पंकज मिश्रा, ETV भारत।